नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। कानून के हाथ लंबे होते हैं, ऐसा आपने सुना होगा, मगर उलीडी थाना प्रभारी सोनू कुमार ने यह सच कर दिखाया। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने देश के सम्मान व गरिमा को गौरवान्वित किया है। मानगो के उलीडी थाना अंतर्गत संकोसाई रोड नंबर 1 रामनगर के इंदाकुची गांव में करीब 35 वर्षीय महिला नाजी लकड़ा का शव खेत के बीचों बीच मिला था। हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए उलीडी थाना प्रभारी सोनू कुमार एवं उनकी टीम ने मात्र 3 घंटे के अंदर हत्यारे व अपराधी को धर दबोचा। आज अपराधी का MGM अस्पताल में मेडिकल करवा कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं जानकारी देते हुए सोनू कुमार ने बताया कि अपराधी उसी गांव का ही रहने वाला है एवं उसका महिला के साथ 10 वर्षों से संबंध रह चुका था। अतः महिला के निरंतर शादी का दबाव बनाने के एवज में अपराधी ने छुटकारा पाने की मंशा से महिला को करीब 3:15 बजे सुबह घर के पीछे खेत में बुलाया और चाकू से मारकर हत्या कर दी। उस चाकू की बरामदगी थाना प्रभारी ने कर ली है। गिरफ्तारी प्रेम प्रसंग का मामला था, इसमें गिरफ्तार करके जो अभियुक्त है दीपक आचार्य उसको गिरफ्तार करके हम लोग न्यायिक हिरासत में भी भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मारने का कारण क्या था? प्रेम प्रसंग का मामला था। क्यों इसको, कब बुलाया, कैसे बुलाया, क्या? ये प्रेम प्रसंग, ये पिछले 10 वर्षों से इनका, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था। वजह मारने का? लड़की शादी के लिए दबाव बनवा रही थी, ये शादी करना नहीं चाह रहा था, मेन वजह यही। अच्छा, करना, कितने साल से इसके साथ रिलेशनशिप में था? लगभग रख लीजिए 10 साल से है, तो 8-9 साल। कहाँ का है ये? ये लड़का है दुर्गा मंदिर संकोसाई रोड नंबर 5 का। लड़की 1 नंबर की है ना? लड़की वही की है जहाँ मृत्यु हुई है। क्या क्या बरामद हुआ इसके पास से? इसका जो घटना कार्य में किया था वो चाकू बरामद हो गया है, इसका चप्पल पहना हुआ चप्पल बरामद हुआ, स्कूटी बरामद हुआ, मोबाइल बरामद हुआ। लड़की दबाव शादी के लिए कर रही थी? क्या दोनों अलग अलग कास्ट का था ना? एक कास्ट अलग अलग है, नाली लकड़ा है, नहीं करने मांग रहा था लड़का नहीं चाह रहा था, इसको जेल भेजा जा रहा है ना? इसने हत्या कार्य किया है, इसी कारण अपने इसने स्वीकृति बयान में भी अपना अपराध स्वीकार किया है, इसी कारण बस इसको जेल भेजा जा रहा है।